क्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में आज पुलिस ने करीब 27,000 शराब की बोतलों को नष्ट किया है। बता दें कि नियमानुसार जो अवैध रूप से पुलिस ने शराब पकड़ी थी और कोर्ट में उनके मुकदमे भी निपट चुके हैं। ऐसे में पुलिस नियमावली के अनुसार शराब के उस जखीरे को पुलिस के आला अधिकारी की निगरानी में आबादी से दूर गहरे गड्ढे में नष्ट किया जाता है। उसी क्रम में आज शाहबाद में डीएसपी और एसएचओ प्रतीक सिंह की निगरानी में जेसीबी के द्वारा गहरा गड्ढा खोदकर आबादी से दूर करीब 27,000 शराब की बोतलों को नष्ट किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिन मुकदमों का निपटारा कोर्ट में हो चुका है और उनमें पकड़ी गई ये शराब की बोतलों का जखीरा आज नष्ट कर दिया है। आबादी से दूर इसलिए ताकि आम आदमी को इसका कोई नुकसान ना हो, जानवर पशु को इसका नुकसान ना हो, ये ध्यान में रखते हुए गहरा गड्ढा खोद कर उसमें नष्ट की गई है। 57 मध्य से जो पुराने बिस्टा वगैरह पड़े थे, हरियाणा के निर्देशानुसार और हमारे क्षेत्र के आदेशानुसार हमने इनका विधिपूर्वक आज इनको निपटान कर रहे हैं। ये मध्य बहुत पुराने थी और इनको आज डिस्पोज किया जा रहा है। शायद आते हैं वो स्टेट है, ये सभी निपटान हुए मामले हैं। कोर्ट द्वारा जो मामले निपटा दिए गए या तो सजा कर दिए गए या परे कर दिए गए या अन्य उनको कोई सजा दी गई है वो समय है वो डिस्पोज कर। तो हाँ, समय समय पर पुलिस कार्रवाई करती है कि इसीलिए तो होते 27,000 बोतलें कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती है। तीन तरफ भी मध्य हैं जो दिन का फैसला हो चुका है उनको भी याद होंगे डिस्पोज। ये लगभग हमने पिछले 3-4 महीने से हमने प्रोसीजर चला रखा था कोर्ट के माध्यम से, और जो ये 27,000 बोतल्स हैं उनका हमने कोर्ट से डिस्पोज करने के ऑर्डर लिए हैं। फिर हमने एसपी साहब ऑफिस के माध्यम से, बीसी साहब के माध्यम से, बीडीपीओ साहब अपना ड्यूटी मजिस्ट्रेट बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुए हैं और इनकी मौजूदगी में हमने लगभग 27,000 ये बॉटल्स इलीगल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय करी हैं, और उसके साथ साथ 157 जो विसरों के वो है विसरा रिपोर्ट के जो पलंदे वगैरह है वो भी डिस्पोज करे हैं। और इस तरीके से मतलब काफ़ी मतलब टाइम टू टाइम थाना में इस तरह की कार्रवाई होनी बहुत ही ज़रूरी है। पुलिस अधीक्षक एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार उन्होंने सभी पुलिस स्टेशन में गाइडलाइन दी हुई हैं कि इस तरह की कोई पुरानी मदें हैं जिनका निपटारा हो सकता है, जो केसेस कोर्ट से डिस्पोज हो चुके हैं उनका अभी निपटारा करें ताकि थाना परिसर में भी अच्छी तरीके से सफाई रखी जा सके। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए शाहबाद के आउटर एरिया में जहां पर ये आप देख ही सकते हैं शाहबाद से 3-4 किलोमीटर का एरिया है वो जगह हमने चिन्हित की है, और यहां पर अच्छी तरह गड्ढा खोद के पूरा गहराई से ताकि किसी को, पशु को, किसी भी लोकल आदमी को, किसी को भी इस प्रकार का इसका कोई नुकसान ना हो, और ये इस तरह की सावधानी बिल्कुल अच्छी तरह रखी जाएगी। नशे के रिगार्डिंग अभी जैसे हमने ये लीगल्स जो है पकड़ी हुई थी, शराब पकड़ी हुई थी, ऐसे ही आगे भविष्य में हम पकड़ते रहेंगे और कोर्ट के माध्यम से इसको डिस्पोज भी कराते रहेंगे। हमने कुछ विशेष एक अभियान अभी हम चलाएंगे इस नेक्स्ट वीक में, उसको उस अभियान के तहत हम स्पेशल नशा जो तस्करी वगैरह करते हैं, जो MDPS वगैरह का काम करते हैं, उसको हम बिल्कुल फोकस रखें। जनता से क्या अपील रहेगी सर? जनता से यही अपील है कि शाहबाद क्षेत्र की जनता से यही अपील है कि वो नशे से दूर रहें, क्योंकि बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है युवा पीढ़ी के ऊपर इसका। मेरी यही अपील है कि यदि कोई इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग हो तो वो पुलिस के साथ शेयर करें और नशे से दूर रहें। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।